गाइस, ये है एक ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर जो कि आपके बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 3 एम्पियर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर, या 0-12 का भी आप देख सकते हो, एक एलईडी इंडिकेटर, 4700 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर, और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर गाइस मैं फुल वेव ले रहा हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। और गाइस ये है ऑटो कट सर्किट जिसका हम यूज करेंगे, तो चलो इसको बनाते हैं। तो गाइस 12 और 0 वाले वायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर देना है। दोनों वायर को अच्छे से आपको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस हम 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है इसको कनेक्ट करेंगे, तो प्लस माइनस आपको देख कर कनेक्ट करना होगा। जो ब्लैक वाली पट्टी है वो प्लस वाली होती है और जो वाइट वाली होती है वो, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये जो है पोटेंशियोमीटर के नॉब को जो जैसे ही घुमाएंगे, देखो हमारा कट हो चुका है पावर। इस तरह से आप घुमा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो वोल्टेज को। ये रहा मेरा बैटरी 12 वोल्ट का, ये बाइक की बैटरी है तो इसको मैं चार्ज करके आपको दिखाऊंगा, और इससे आपका बैटरी बिल्कुल ही सेफ रहेगा गाइस। जैसे आप कहीं भी चले जाओगे छोड़ के, तो ये फुल चार्ज होने के बाद पावर को कट कर देगा, ओवर चार्ज नहीं करेगा, जिससे कि आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो देखो गाइस 12 पॉइंट कुछ वोल्ट दिखा रहा है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उससे हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितना वोल्ट पे सेट करना है, ऑटो कट आपको 13 वोल्ट पे सेट करना है तो भी कर सकते हो, 14 वोल्ट पे करना है तो भी कर सकते हो। तो मैं अभी 14.5 वोल्ट पे कर रहा हूँ, इतना पे बैटरी एकदम बिल्कुल चार्ज हो जाएगा, और हमारा जो बैटरी चार्ज होने के बाद रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगा। रेड लाइट जैसे ही ब्लिंक होगा पावर कट जाएगी। ठीक है गाइस, इस तरह से आप घर पे बना सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।